अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के स्टूडेंट हैं या आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या आप सीख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें इस लाल बटन को और सब्सक्राइब के बाद इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों मेरे साथ में है कुछ स्टूडेंट और आज हम बात करेंगे टच सेपरेटर मशीन की, जिसको एक आप टच काटने की मशीन भी कहते हैं। तो बेसिकली आज इस मशीन के बारे में बताएंगे हमारे एक स्टूडेंट भुवनेश्वर। तो हमारे साथ में है, बताइए आपका नाम। मेरा नाम राजेश है, मैं राजस्थान का रहने वाला। सर मेरा नाम नाजिम है, मैं यूपी से आया हूँ। दोस्तों मेरा नाम कुलभूषण है और मैं हरियाणा से आया हूँ। और मेरा नाम सोनू है, मैं कटनी से। तो ये जो हमारी एक क्लास है बेसिकली ये टच सेपरेटर पे है। और तो दोस्तों जो आज हम ये टच सेपरेटर मशीन लेके आए हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे क्लास दूंगा। आज से भी एक क्लास है टच सेपरेटर मशीन के, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, क्या इसके फंक्शन है जो हमें बताएंगे भुवनेश्वर, और ये कितने रुपए में आपको मिल जाएगा मार्केट में, और इसके साथ आपको क्या क्या लेना होगा, ये सारी चीजें बताएंगे। तो भुवनेश्वर बताइए कि ये टच सेपरेटर मशीन का क्या यूज है और ये कितने में लेके आए और इसको कैसे चलाएंगे, बताइए। सर इसका प्राइस 3400 रुपया है। सर 3400 रुपए है। हाँ, ये मार्केट में 3400 में अंदर भी मिल जाएगा या आप? हाँ, सर, कितने तक का मिल सकता है? 2500 में भी मिल जाएगा। हाँ, और 3400 का भी मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है। हाँ, और इसमें ये कितने प्रकार के होते हैं, ये बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के। कौन कौन से? एक बिना वैक्यूम वाला है। और तो दोस्तों ये है वैक्यूम वाला आपका, और इसमें एक बिना वैक्यूम वाला आता है जिसमें क्लिप लगे होते हैं, होल्डर लगे होते हैं जो आपके कॉम्बो को चारों तरफ से होल्ड करते हैं। तो दोस्तों सबसे बेस्ट है जो मैं आपको बता दूं वैक्यूम वाले, जो आज सभी जगह ये चल रहे हैं, और इसमें बेसिकली एक कॉम्बो निकाले जाते हैं। जैसे हमारे पास ये जियोनी का एक कॉम्बो है, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर ये अंदर ब्लू आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हमने थोड़ा सा काटने की भी कोशिश की है, हम बस आपको वीडियो के थ्रू ये बस सिर्फ दिखाएंगे कैसे काम करते हैं, और ये पूरा निकालना, ये पूरा नहीं निकालेंगे हम, इसके फंक्शन आपको बस बताएंगे। तो भुवनेश्वर बताइए इसको कैसे यूज करते हैं और इसके क्या क्या इसमें बटन लगे हुए हैं? सर घर में जिस तरह लाइन रहता है 220 से 240 इसको करंट देना है, एसी देना है। इनपुट इसका दोस्तों आपके घरों का जो लाइन से आने वाले करंट होता है वो इनपुट देना है, इसमें कोई डीसी करंट नहीं होता। तो बहुत से लोग ठीक है, सो चालू कर दो। तो देखिए यहाँ से दोस्तों ये यहाँ से चालू हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसके ये सब बताइए बटन क्या काम करते हैं? सर जैसे SW पे 120 है, टेम्परेचर है सर आपका, तो ये टेम्परेचर फिक्स होता है। हाँ, फिक्स होता है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। हाँ, और इसको हीट होने के लिए इसमें जैसे जिस तरह 39 है, हाँ, ये बढ़ता जा रहा है। हाँ, बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो इसको भी 120 की जब आ जाएगा, हाँ, उस टाइम उसको यूज करना है। हाँ, मतलब ये टेम्परेचर 120 यहाँ पे फिक्स देता है और ये यहाँ पे बता रहा है कि 120 तक यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, तो ये स्थिर हो जाएगा 120 पर। हाँ, तो हम 120 को कम भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 99 भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप पर है कि आप 99 पे करें तो बेस्ट जो होता है वो 99 से 120 तक आप कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल 120 पर इसको करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर अप एंड डाउन के लिए आपको यहाँ पे बटन दिए जा रहे हैं, और ये आपका ऑन ऑफ बटन, और ये स्टार्ट बटन किसका है? सर जैसे 120 पे है ये। हाँ, SB। हाँ, PB में 120 आ जाएगा। हाँ, तब वैक्यूम दबाना सर, तो जब का वैक्यूम चालू हो जाएगा। हाँ सर, कॉम्बो रख के जब वैक्यूम चालू करेंगे उस समय ये वाला मतलब वो सक करने लगेगा, मतलब वो अंदर से हवा खींचेगा और जिससे ये सक हो जाएगा। तो दोस्तों ये बटन होता है आपका वैक्यूम ऑन करने के लिए। तो जैसे ही वैक्यूम ऑन कर देते, देखिए अभी जैसे कि हमने यहाँ पर टच लगाया हुआ है ये हमने, और ये बेसिकली देखिए यहाँ पर ये बहुत ज्यादा अभी बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि जो वैक्यूम है वो अभी स्टार्ट नहीं है, ये अभी सिर्फ गर्म हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हल्का हल्का गर्म होने लगा है, और ये गर्म तब तक होगा जब ये 120 तक हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अब इसको आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियो, तो यहाँ पर ये कई लोग 120 पे भी करते हैं, कई लोग 99 पे करते हैं, कई लोग 111 पे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जितने पे भी करना है आप कर सकते हैं, जैसे बोला 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको 120 डिग्री सेल्सियस तक इसको ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इसके साथ क्या क्या मिलता है ये तो हम समझ गए हैं कि इसको 120 पर ये फिक्स है, तो 120 तक लाना है, और जैसे 120 पर आ जाएगा तो हम ये वैक्यूम ऑन कर देंगे। अच्छा मुझे बताइए ये जो ऊपर ये रखा हुआ है ये क्या है? ये सर ये है इसका मतलब फोल्डर है। हाँ, उसको मतलब रखेंगे तो ये मतलब इधर मतलब
हिलेगा नहीं। हाँ तो दोस्तों ये सिलिकॉन की एक मैट है जिससे ये आपको फोल्डर को स्थिर रखता है और इसके बेसिकली सरफेस को चिकना होने नहीं देता है ताकि उसको रफनेस मिले, ताकि ये इधर से उधर मूव ना करे, ठीक है। रबर टाइप का होता है। अच्छा अब मुझे बताइए इसके साथ क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या मिलता है या अलग से लेना पड़ता है, बताइए क्या आप बताइए आपको इसके साथ क्या क्या मिला है। सर इसके साथ सिर्फ एक ये वाला मिलेगा सर, बस यही मिलेगा। इसमें एक मिलेगा कि दो मिलेगा? एक ही मिलेगा। अच्छा एक मिलेगा। अच्छा। और इसका साथ में, और ये अलग से लेना होगा तो कितने का मिलेगा? दो पीस आता है सर 130 रुपए का, दो अलग से आते हैं। अच्छा चलिए ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये आपका खराब हो जाए तो 130 रुपए में दो आपको मिल जाएगा मार्केट में। हमारे यहाँ मार्केट का प्राइस वही है, आपके यहाँ हो सकता है थोड़ा सस्ता और मिल जाए या थोड़ा 10-20 रुपए महंगा मिल सकता है। अब इसके साथ क्या लेना है आपको? सर इसके साथ वायर लेना पड़ेगा। इसके साथ 200 टच सेपरेटर वायर ये जो रहता है ये लेना पड़ेगा। जैसे कि हम बता रहे हैं अभी 120 पे आने देते हैं, थोड़ा सा हम इसका यूज बताएंगे इस कॉम्बो में, तो जिसमें एक कॉम्बो का यूज करके हम इसको बताएंगे टच सेपरेटर वायर। तो ये बताइए कितने का मिलता है? सर ये 40 रुपए एक पीस मिलता है और 80 रुपए दो पीस। तो दोस्तों ये 40 रुपए से शुरुआत हो जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसमें भी क्वालिटी आती है, तो क्वालिटी तो दोस्तों आपको हर एक प्रोडक्ट में देखने मिलेगी। तो यहाँ पर ये और भी महंगा मिल सकता है, ये आप पर आप कितने का लेते हैं, तो मेरे हिसाब से 40 रुपए का भी काम कर जाता है। हाँ सर ठीक है दोस्तों, पर कभी कभी क्या होता है कि अपन इसको है ना ये खींचने पे ये टूट जाता है जो सस्ता वाला होता है। सावधानी रहे सर कि हाथ कट ना जाए। हाँ बहुत पतला होता है, बहुत ज्यादा पहना होता है दोस्तों, तो इससे हाथ आपका थोड़ा कट भी सकता है। तो बेस सबसे अच्छा ये है कि इसके जो कोने पर आप कुछ ऐसा एक कुछ लगा रहे लकड़ी का जिसको पकड़े जिससे ये टाइट भी हो जाए और इससे अपन वर्क कर सके। तो चलिए ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये आ गया है 99 पे, आप इसके ऊपर मेरे हिसाब से आप कॉम्बो सेट करें। और देखिए 100 पे आ गया, चलिए इसको 100 120 हो जाने दीजिए। जैसे ही हम इसको कॉम्बो रखेंगे और फिर हम पुश बटन, ये जो बटन है इसको पुश करेंगे तो वैक्यूम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे बताएंगे कि कैसे इसको वर्क करना है। तो चलिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 170 आ गया है, हमने थोड़ा वीडियो को रिज्यूम कर लिया था तो 120 पे आ गया। तो चलिए इसका यूज बताइए। चलिए सर 120 पे कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये 118 पे आ गया है, इसको कर सकते हैं। हाँ इसको कर सकते हैं, इसको आप देखिए दोस्तों आपको ये जो मैट है इसको आपको ये जो छेद है यहाँ पे इन छेदों में लगाना है ताकि ये बराबर यहाँ से वैक्यूम की जो एयर है पास कर सके। चलिए ठीक है अब इसको रखें। तो दोस्तों इसको आपको है ना जो ये एलईडी वाला हिस्सा होता है दोस्तों इसको आप ये नीचे रखिएगा ताकि यहाँ से आप आराम से इसको निकाल सकें। अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे जमा दिया है, वैक्यूम को ऑन करें। अब देखिए दोस्तों वैक्यूम ऑन हो गया, आपको आवाज आ रही होगी। अगर ये देखिए ये हिला के भी देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं हिला है तो ये एक अच्छा वैक्यूम कर रहा है। तो चलिए ठीक है अब इसको बताइए इसको करना कैसे है। तो दोस्तों करना क्या है कि वो जो वायर है वो वायर आपको टच और वो वायर आपको टच और डिस्प्ले के बीच में से होकर निकालना है। और वो आराम से दोस्तों क्या है कि नीचे वो गर्म हो रहा है तो जो ग्लू है वो पिघलता जा रहा है, वो आसानी से देखिए दोस्तों इसको काट देगा। वैसे ही नीचे नीचे करके इसको उड़ा लेना है। चलिए ठीक है यहीं से आप समझ गए होंगे। और दोस्तों इसको आपको सावधानी ये बरतनी है कि इसको आपको ऊपर नहीं करना है, नहीं तो इससे आपका जो डिस्प्ले है वो आपका ब्रेक हो सकता है। और आपको बिल्कुल सीधे सीधे इसको लाके आराम से निकालना है, ये अपने आप ही काटना जाएगा। तो इसकी खूबी ये है कि वैक्यूम इसको सक करके रखता है और सिर्फ हम इसको काटना है क्योंकि नीचे से ये हॉट हो रहा है, हॉट प्लेट है। तो चलिए ठीक है बस इतना ही, अब इसको इतना ही पे हम रखेंगे दोस्तों। इसके बाद भी हम इस पर बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों इसके बाद भी हम इस पर बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे। आशा करता हूं कि अभी आप टच सेपरेटर के बारे में समझे होंगे, इसकी प्राइस और इसकी जो क्वालिटी है इसमें क्या क्या आपको मिल सकता है। अच्छा इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने टच निकालने के बाद जो दो चीजें यूज होती है खास उसके बारे में हमने नहीं बताया क्योंकि अभी फिलहाल वो हमारे पास नहीं है मार्केट में, वो कल नहीं मिली थी, आज हम फिर जाएंगे मार्केट से लेके आएंगे। इसके बारे में हम आपको कल दिखा के बता देंगे एक नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो अभी हमने आज पूछ रहे हैं कि इसके साथ हमें क्या क्या दो और चीज खास लेनी है। तो भुवनेश से बताइए कि वो दो कौन सी चीजें जो इसके बाद जैसे हमने टच निकाल लिया तब आपको क्या चीज चाहिए, इसमें क्या प्रोडक्ट चाहिए? इसमें डिस्प्ले और टच निकल जाने के बाद इसमें क्लीनर का जरूरत पड़ता है। क्लीनर का जरूरत पड़ता है हाँ सर, ताकि डिस्प्ले आराम से साफ हो सके। हाँ जो उसका ग्लू रहता है वो रह जाता है और जो पुराना ग्लू रहता है उसको क्लीन करने के लिए क्लीनर का यूज होता है। और उसके बाद जब दोनों क्लीन हो जाए फिर जब हम नया टच लगा रहे हो तब हमें क्या चाहिए? फिर
सर उसके बाद ग्लू का जरूरत पड़ता है, ग्लू का जरूरत पड़ता है, हाँ सर वो अलग से लेना पड़ता है, अलग से लेना पड़ता है, और ग्लू लगाने से मतलब हाँ, तो इसमें ग्लू वाला ग्लू तो नहीं लगता ना, जो अपन विदाउट कॉम्बो वाले में यूज करते हैं जैसे D7000 या क्या, नहीं सर तो इसमें वो वाला ये वाला ग्लू तो यूज नहीं होता है क्या, ये वाला ग्लू यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि जो कॉम्बो होते हैं जो बीच में से चिपकते हैं उसमें ये वाला ग्लू आप बिल्कुल भी ना यूज करें, नहीं तो आपका पूरा टच और डिस्प्ले दोनों खराब हो जाएंगे। इसके ग्लू अलग आते हैं, इसके बारे में हम अलग से जानकारी आपको दे देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको और भी सीखना है तो आ सकते हैं हमारी क्लास में, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 15 तारीख को नया बैच ओपन हो रहा है, बैच की डिटेल आपको मिल जाएगी, नीचे आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा दोस्तों, उसमें कॉल कर सकते हैं। और आप इसके बाद में मैंने अपनी वेबसाइट की लिंक भी डाली हुई है, और इसके बारे में पूरा डिटेल कि मैंने आपको वेब पेज बना दिया, आप नीचे जाके लिंक से निकाल सकते हैं, इसके प्राइस, इसका डिस्ट्रीब्यूटर, इसका डीलर, आपके शहर में कहाँ मिलता है, सारी चीजें मैंने डाली हुई है। तो दोस्तों जुड़े रहे चैनल से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्री मोबाइल रिपेयरिंग एप्स, और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री मोबाइल का पूरा डाटा कंटेन। और अगर आप फ्री मोबाइल ट्रेनिंग का चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें कंटेन मिले, हम लोग बुक ढूंढते रहते हैं, अगर आप लोग को बुक ढूंढने की अब कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा बुक का डाटा दिया गया है। आप देखिएगा फ्री मोबाइल ट्रेनिंग वॉल्यूम 1 करके जो मैंने वेबसाइट बनाई है, और ये एप्स में मैंने जो लॉन्च किया है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एंटर टू इंस्टीट्यूट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एप्स के अंदर आप और जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एशिया टेलीकॉम का लोगो, और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए जो सबसे पहले पेज में आपको खोलते साथ में आपको यहाँ पर मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 आपको, और ये हर दिन में अपडेट होंगे, इसमें मॉडल 4, 5, 6 भी इसमें अपडेट होते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। हम बात करेंगे पीसीबी की पहचान, आपको मोबाइल हिस्ट्री की जानकारी, आपको बिग लेवल आईसी कार्ड लेवल की जानकारी, डिजिटल मल्टीमीटर कैसे यूज करते हैं, एसएमडी मशीन को कैसे यूज करते हैं, सोल्डरिंग क्या होता है उसको कैसे करते हैं, मोबाइल वाटर डैमेज, हम बात करें बैटरी के बारे में, या सॉर्टिंग क्या होता है उसको कैसे पहचानते हैं, सॉर्टिंग क्या देखा जाता है, तो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, और ये चीजें आपको हिंदी में मिल जाएंगी, मोबाइल टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग, तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको नेविगेशन जो आपको दिख रहा है आपको क्लिक करना है, आपको इस तरह का पेज मिल जाएगा, और इस पेज में आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। जैसे अभी हम थे फ्री मोबाइल ट्रेनिंग, जैसे मैं बात करें इसी को क्लिक करने पर हम यही वाले पेज में हम वापस आ जाएंगे। अभी हम नेविगेशन का आने में 1 या 2 सेकंड का वक्त लगेगा, देखिए आ गया है। अब हमें क्लिक करना है कॉम्पोनेंट टेस्टिंग, अब हम कॉम्पोनेंट टेस्टिंग में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारे कॉम्पोनेंट की जानकारी, नॉर्मल और असेंबली दोनों की अलग अलग दी हुई है, हिंदी की अलग दी है, इंग्लिश की अलग दी है, अगर आपको उर्दू आती है तो आप इसको उर्दू में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें नॉन पोलर कैपेसिटर, उनको कैसे चेक किया जाता है, तो ये मैंने इंग्लिश में बताया हुआ है, और ये आपके नॉर्मल कॉम्पोनेंट हैं, यहीं पर हमने हिंदी में भी, और यही बात हम बात कर रहे हैं कि असेंबली कॉम्पोनेंट भी हमने बताया हुआ है, जैसे असेंबली रजिस्टर किसे कहते हैं, तो इसकी टेस्टिंग हम जैसे कि देख लेते हैं। यहाँ पर आपको असेंबली रजिस्टर की टेस्टिंग मिल जाएगी, देखिए असेंबली रजिस्टर यहाँ पर, और इसकी पहचान की अगर हम बात करें किस तरीके दिखते हैं ये असेंबली रजिस्टर, तो यहाँ पे वर्क में हम क्लिक करेंगे, और जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें देखिए इसका सिंबल दिख गया है, और यहाँ पर ये काले कलर के जैसे आपको दिख रहे हैं, तो ये कंप्लीट आपको ये पूरा फुल किताब जैसा यहाँ पर आपको पूरा नॉलेज दिया गया है, इसका चेकिंग सारा चीज यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे केवल आपको हार्डवेयर नहीं, आपको सॉफ्टवेयर भी देखने मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ हार्डवेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको नेविगेशन पे आना है जो 2-1 सेकंड में आ जाता है, और उसके बाद में देखिए हार्डवेयर में सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर प्रत्येक प्रायः हर सेक्शन को यहाँ पर डाला गया है, उसकी चेकिंग डाला गया, जैसे रिंगर की हम बात कर रहे हैं, रिंगर को कैसे चेक करते हैं, तो देखिए रिंगर को हमने यहाँ पर खोला, और यहाँ पर जैसे रिंगर का यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या कि रिंगर की रिंगटोन साउंड ना बजना, एम्पिक्रिया वॉइस कॉल के दौरान लाउड स्पीकर का ना बजना, तो यहाँ पर सारी चेकिंग उसकी दी हुई है जो कि हिंदी और इंग्लिश में है। अगर आपको ट्रांसलेट करना है अपनी भाषा में उर्दू या किसी और भाषा में, तो आप नीचे जाइएगा और ट्रांसलेट टू एनी लैंग्वेज में क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से अपनी भाषा चुन लीजिएगा, और ये यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देगा। सॉफ्टवेयर की जानकारी है वो भी इसमें डाली गई है, फ्लैशिंग किसे कहते हैं, मोबाइल रिसेट किसे कहते हैं, तो सारी यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा, स्टॉक रोम, कस्टम रोम, ये सारी चीजें यहाँ पे किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको टूल मिलेंगे जैसे FRP अनलॉक टूल, बायपास टूल, बहुत सारे जो ऐसे हिडन टूल हैं, और ये बेसिकली यहाँ पे फ्लैशिंग के बारे में आ गया, ये अभी पूरा हिंदी में, इंग्लिश में है, आप इसको हिंदी में कर सकते हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में भी ये कंटेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर टूल के बारे में सब जानकारी दी है, MI का टूल, सैमसंग का टूल, यहाँ पे सारे ड्राइवर दिए, ADB यूनिवर्सल ड्राइवर फॉर ऑल एंड्रॉयड डिवाइस,
तो हम बात करें मिनिमल एडीबी टूल, मीडिया टेक का ड्राइवर, तो ये ड्राइवर वन क्लिक इंस्टॉल हो जाते हैं। साथ में इसमें इसकी जानकारी दी गई हुई है और इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि ये ड्राइवर टेस्टेड ड्राइवर है और ये डालने से जो आपका ड्राइवर वाला काम है ये पूरा करता है। यहाँ पे हम बात करेंगे रिसेट में हम जाएंगे तो इस तरह से बहुत सारे इसके पेजेस हैं, आप पेजेस में जा सकते हो। कौन कौन से मोबाइल रिसेट करना हमने बताया, रिसेट क्या होता है सब बताया है, रिसेट सैमसंग। तो आपको अगर मोबाइल ट्रेनिंग अगर आप सीख रहे हैं तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। एमआई को कैसे रिसेट करना है, वीवो, एसटीसी, आईफोन, विंडो, ब्लैकबेरी, तो सारी फोनों का रिसेट यहाँ पे बताया गया है और वो भी फोटो के साथ और स्टॉक रूम यहाँ पे तो सब आपको मिल जाएगा। और ऊपर वाला मेन्यू में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होम, गूगल और ये हमारे स्टूडेंट का जो टेस्टिमोनियल है ये आपको देखने यहाँ पे मिलेगा। तो जो यहाँ पर यहाँ से हमारे से पढ़कर जाता है और उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और जो उन्होंने हमें राय दी है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो दोस्तों ये ऐप्स को आज ही डाउनलोड करें। इस ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ लिखना होगा एशिया टेलीकॉम। जैसे आप एशिया टेलीकॉम टाइप करेंगे थोड़ा आप नीचे जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्री मोबाइल ट्रेनिंग वॉल्यूम 1। और जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे आप इसको ओपन करेंगे आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसकी लिंक नीचे वीडियो के में दी गई है, आप जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट ये वाले पेज में आ जाएगा। केवल 2 MB का ऐप्स है और ये केवल 2 MB के ऐप्स को डाउनलोड करने से, इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और इससे आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे।